नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपकी तीन बड़ी काम की खबरें। 24 घंटे तक खुली रहेंगी दुकानें। जी हां, अब आप 24 घंटे शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप दिन में बिजी रहते हैं तो आप रात को भी शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट में अगर देरी हो रही है, बिल्डर आपकी प्रोजेक्ट में देरी कर रहा है, तो जल्द ही उसे आपको ब्याज देना होगा। यानी कि ये ऐसी तीन खबरें हैं जो आपके काम की हैं। तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से टॉप लेवल कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा, जबकि छोटे कर्मचारियों की सैलरी कम बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक टॉप लेवल कर्मचारियों की सैलरी 23.5% तक बढ़ेगी, जबकि डी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी केवल 15% तक ही बढ़ेगी। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक। आलोक, केंद्रीय कर्मचारियों में नाखुशी जो है साफ दिख रही है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि वो हड़ताल कर लें। बिल्कुल, देखिए, जो सरकार कह रही है कि हिस्टोरिक फैसला है, सेवन पे कमीशन के ऊपर जो कमेटी का रिकमेंडेशन थी उसको एक्सेप्ट करके सरकार ने एक बहुत हिस्टोरिक फैसला किया है। हो सकता है कि हिस्टोरिक फैसला अगर इन टोटो अगर अमाउंट के तौर पर देखें तो हो सकता है, क्योंकि इसमें ORP भी है और साथ ही साथ 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का सरकार के ऊपर कह सकते हैं कि एक्सचेकर पर पड़ेगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि हिस्टोरिक है। लेकिन जहाँ तक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की बात है, तो फ़ायदा जो टॉप लेवल के कर्मचारी हैं उन्हीं को होता हुआ दिख रहा है इस रिकमेंडेशन से, क्योंकि जो पे कमीशन के रिकमेंडेशंस थी उसमें पे और पेंशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, हमारी जानकारी के मुताबिक उनको इन टोटो सरकार ने एक्सेप्ट किया है। यानी कुल मिलाकर जो सेवन पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि डी लेगल लेवल के कर्मचारी जो हैं उनको 14.7% के आसपास, यानी 15% के आसपास, और टॉप लेवल के कर्मचारी हैं उनको 23.5% के आसपास उनकी ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल कहें तो हमारी जानकारी के हिसाब से सही है, और जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसके मुताबिक सेवेंथ पे कमीशन को पे एंड पेंशन के रिलेटेड मामलों में पूरी तरह से इन टोटो एक्सेप्ट किया है। लेकिन जहां तक अदर्स मामले हैं, जो नॉन पे और नॉन पेंशन से रिलेटेड मसले हैं, जैसे कि अलाउंस हैं और तमाम चीजें हैं, उस पर सरकार ने इसको DOPT को और रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को भेजा है, ताकि वहां से एक स्टडी करके वहां से मंगाई जाए कि एम्प्लॉयज़ को दूसरी जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरह से देनी है। तो ये सारा फैसला इस वक्त जो हमारी जानकारी है उस वक्त हुआ है, और इसको कहा जाए तो एंड ऑफ जुलाई से जो कर्मचारियों की सैलरी है उसमें बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तक की जानकारी है, और इसके मुताबिक अगर देखें तो निचले लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको कम फायदा होता दिख रहा है। यही वजह है कि जो कर्मचारियों नाराजगी और खुलकर सामने आने लगी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोअर लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ शायद नाइंसाफी हो रही है, और यही वजह है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से वो कर्मचारी नाखुश हैं। और 32,00,000 कर्मचारियों से जुड़े सभी यूनियन ने 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इन 32,00,000 कर्मचारियों में 11,00,000 रेलवे के कर्मचारी भी हैं। इस हड़ताल में रेलवे की दोनों बड़ी यूनियन शामिल होंगी। अगर ऐसा होता है तो ये 42 साल में पहली बार होगा कि रेलवे में हड़ताल होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के चेयरमैन हैं एम राघवैया साहब। राघवैया साहब, आप लोगों ने कब से हड़ताल पर जाने का फैसला किया? 11 जुलाई से 32,00,000 कर्मचारी केंद्र सरकार में काम करने वाले, ये 32,00,000 में 13,00,000 रेल कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे। 10 तारीख दिसंबर 2015 में हम चार्टर ऑफ डिमांड्स दिए थे, भारत सरकार से आज तक स्पंदन नहीं है। लेकिन अभी सातवें वेतन आयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सिफारिशों को, फिर आप लोग हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं? ये सेवंथ पे कमीशन में कुछ भी नहीं किया भारत सरकार, आज का कैबिनेट मीटिंग में जो हम डॉक्टर आकराइड फार्मूला बेसिस पे जस्टिफाई कर रहे थे, वो मिनिमम वेज देने में सरकार विफल हो गई, मल्टीप्लायर फैक्टर भी इम्प्रूव करने में सरकार विफल हो गई। ये दो हमारा कोर डिमांड्स थे। नया पेंशन स्कीम रद्द करना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि सेवन पे कमीशन के बाद क्या होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी।
तो पहले अगर बेसिक सैलरी 7,000 थी तो अब जो है वो बेसिक सैलरी 18,000 हो जाएगी। वहीं इसके अलावा अगर ग्रॉस सैलरी पहले 18,750 रुपए मिलती थी तो अब वो ग्रॉस सैलरी 23,670 रुपए हो जाएगी। यानी कि सेवन पे कमीशन का कहीं ना कहीं पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बेसिक सैलरी पहले 10,000 थी तो अब 32,300 हो जाएगी और ग्रॉस सैलरी अगर 33,420 थी तो वो अब 43,652 रुपए हो जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ा और भी कुछ फिगर्स देखने होंगे। 17,800 रुपए अगर पहले बेसिक सैलरी थी तो अब 46,100 होगी और ग्रॉस सैलरी 47,190 से बढ़कर 60,764 रुपए हो जाएगी। तो यहां पर जो है सातवें वेतन आयोग की हम आपको बता रहे हैं कि अगर सैलरी पहले 24,600 रुपए थी तो अब 64,100 हो जाएगी। तो वहीं ग्रॉस सैलरी अगर 66,330 थी तो अब 83,084 रुपए हो जाएगी। यानी कि काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर बेसिक सैलरी अगर 31,600 थी तो अब 83,300 रुपए हो जाएगी और 87,780 के अगर पहले ग्रॉस सैलरी मिल रही थी तो अब 110,492 रुपए तक की तनख्वाह जो है वो मिल सकती है। यानी कि यहां पर बम्पर जंप जो होगा वो वहां पे कर्मचारियों को मिलेगा। 37,600 रुपए जो बेसिक सैलरी पा रहे थे उनको 96,900 रुपए की बेसिक सैलरी मिलेगी। वही ग्रॉस सैलरी 103,080 रुपए से बढ़कर सीधा 127,356 रुपए हो जाएगी। यानी कि बहुत ज्यादा बम्पर जंप मिल रहा है। 48,300 से अब जो है तनख्वाह बढ़कर 125,800 हो जाएगी और वहीं ग्रॉस में भी काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। 131,000 से 385 रुपए से सीधा 163,192 रुपए तक तनख्वाह जा सकती है। यानी कि यहां पर इस वक्त अगर बात की जाए तो काफी जो है मेजर जंप मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी जो घर खरीदना चाहते हैं उन्हें भी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल रहा है। यहां पर हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा 7,50,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए कर दी गई है। यानी केंद्रीय कर्मचारी बहुत सस्ते ब्याज दर पर 25,00,000 रुपए की रकम ले सकते हैं। इस तोहफे से ना सिर्फ कर्मचारियों का फायदा होगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। रिटेल सेक्टर को बूस्टर डोज देते हुए सरकार ने दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट को 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है। जिन एस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हैं उन्हें 24 घंटे खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए लोकल अथॉरिटीज की अनुमति जरूरी होगी। इससे देश में नौकरियों का पिटारा खुलने की भी उम्मीद है। चौबीस घंटे खुलेंगी दुकानें, रेस्टोरेंट में 24/7 मिलेगा खाना, नौकरियों का खुलेगा पिटारा। अब 24 घंटे शॉपिंग का रास्ता खुल गया है। यानी अगर आपको दिन में शॉपिंग का वक्त नहीं मिल पाता तो अब ये काम आप रात में भी कर सकते हैं। कैबिनेट ने मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर में दुकान, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट सहित दूसरे कमर्शियल संस्थानों को 24 घंटे खोलने का रास्ता साफ हो गया है। जिस एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा कर्मचारी होंगे वो 24 घंटे खुले रह सकते हैं। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स को साल भर और अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने तथा बंद करने की अनुमति दी गई है। 24 घंटे खोलने के लिए लोकल अथॉरिटीज से अनुमति लेनी होगी। इस कानून में रात के वक्त उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी, लेकिन उन्हें कैब और अन्य सुविधाएं देना जरूरी होगा। इस कानून में राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने की छूट होगी। इससे सबसे बड़ा बूस्ट जो है ये कंज्यूमर के लिए है, क्योंकि कंज्यूमर जब चाहे तब जाकर के खरीदी कर पाएंगे और साथ ही साथ तब रिटेलर्स के लिए भी इससे बिजनेस बढ़ने का पूरा उम्मीद है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इसके वजह से, क्योंकि अगर रिटेलर्स दुकानें काफी समय तक खुले रखेंगे तो जरूर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इसमें और गवर्नमेंट के लिए भी जो है टैक्सेस बढ़ेंगे। मॉडर्न जो रिटेल पॉलिसी है ना उसमें 24 आवर शॉपिंग एक सब पार्ट है। अगर आप पूरी जो पॉलिसी देखेंगे उसके कारण पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिटेल का उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है और जो
इनकन्वीनियंसेस हैं लाइसेंसेस की, लाइसेंसेस एंड परमिशंस की, वो काफी हद तक कट जाएगी। जी बिजनेस ने सबसे पहले जनवरी में ही खबर दी थी कि सरकार जल्द ही ऐसा कानून लाने जा रही है। फिलहाल सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर की कंपनियों को 24 घंटे ऑपरेट करने की छूट है। दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देकर सरकार देश में नौकरियों के मौके बढ़ाना चाहती है। आलोक प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उधर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन रात में व्यापारियों की सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता जताई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसको किस तरीके से देखा जाए और रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए, यदि हम इसको व्यापार बढ़ाने की कवायद के रूप में यदि देखते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रकार का वातावरण देने से पहले हमें ये सोचना होगा कि इससे जो बुनियादी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनका क्या होगा। मसलन यदि व्यापारी रात को दुकान खोलता है तो लॉ एंड ऑर्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम होगा। ये सबको पता है कि व्यापारी की दुकान में माल भी है, उसकी जान भी है और उसके पास पैसा भी होता है, तो ये एक बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर के कई बड़े सवाल उठ सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो लेबर काम करती है, लेबर कानून कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप उससे काम नहीं ले सकते, तो अब 24/7 होगा तो क्या 3 शिफ्ट में हम लेबर लगाएंगे? उसमें ये प्रोविज़न है कि 9 घंटे का शिफ्ट होगा और उसमें आधे घंटे का आपको उनको एक फ्री टाइम देना होगा अपने काम के लिए, तो ये प्रोविज़न है 9 घंटे का। मैं मान गया यदि, लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 9 घंटे काम करने के बाद और उसके बाद आधा घंटा विश्राम देने के बाद क्या उसका शरीर उतनी मजबूती से फिर काम कर पाएगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि जो व्यापारी काम करेगा उसकी सोशल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से डिस्चार्ज होंगी। उसको तो हर समय अपनी दुकान पर ध्यान देना पड़ेगा, और हमारे यहाँ जो बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो सेल्फ ओन्ड बिजनेस, सेल्फ ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। किसी के पास एक नौकर है, किसी के पास 2 नौकर हैं, या किसी के पास 3 सर्विस करने वाले लोग हैं, तो एक तरीके से या खुद फैमिली के लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वो उस व्यवस्था में क्या एक काम कर पाएंगे? और अब देखते हैं दुकानदार और जो लोग दुकानों में काम करते हैं उनका सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहना है। सवाल ये है कि 24 घंटे दुकानें खुली रखने का रास्ता साफ हो गया है। कई तरह की चीज़ें हैं, माना ये जा रहा है कि एक जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनकी तुलना में अगर देखें तो जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको एक फ़ायदा होगा कि उनके पास भी अब ऑप्शन होगा कि कभी भी वो डिलीवरी कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं, अपने शॉप्स खुला रख सकते हैं। रेवेन्यू की बात अगर हम करते हैं तो आपको क्या लग रहा है कितना फ़ायदा होने जा रहा है इस नई पहल से? देखिए, ऐसा है, पहले तो जो सरकार का मॉडल बिल आया उसका स्वागत करते हुए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी सोच बदली और जो पुराने एक्ट है उसको एनैक्टमेंट को चेंज किया। बट ये एनैक्टमेंट दिल्ली में ऑलरेडी चेंज हो चुका है। पिछले 10 साल से दिल्ली में ये एनैक्टमेंट था कि 24 घंटा 7 दिन के लिए आप दुकानें खोल सकते हैं, और हमने तब भी इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था कि ये इतना स्वागत प्रिय बिल एक हाई स्ट्रीट मार्केट के दुकानदार के लिए या लोकल मार्केट के दुकानदार के लिए नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 24 घंटे काम करना। अभी आपको क्या लगता है कि किस तरह की ऐसी दिक्कतें हैं जिसको कि डील करने की ज़रूरत है और इससे फ़ायदा होगा? सबसे मुझे बेनिफिट ये लग रहा है कि कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बट एक मार्केट है वहाँ पे हर जगह ऐसा शॉप नहीं है जहाँ पे 10+ वर्कर वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे शॉप ऐसे हैं जो 2, 3, 4, 5 में वर्कर जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसमें दिक्कत ये होगा कि एक शॉप है, एक मार्केट है जहाँ पे 50 दुकान है, वहाँ पे लगभग अगर ऐसा वर्क हुआ तो 2 से 4 दुकानें खुलेंगी। अभी जो खासकर जो महिलाएं काम करती हैं इस तरह से किस तरह की चुनौतियां आती हैं, और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपको लगता है कि इससे फ़ायदा भी होगा और कई चुनौतियां भी बढ़ेंगी? मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, रादर
कंट्री को हो सकता है वर्किंग आवर्स उसमें वो ज़्यादा मिल जाएंगे, पर जो वुमेन के लिए तो जो घर बच्चे निगलेक्ट ऑलरेडी इतने लंबे काम में उनके होते हैं, शिफ्ट इस टाइम से उनके और ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा। सिक्योरिटी की रात को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम काफ़ी आएंगी, चाहे गार्ड हैं और आपकी कैब वगैरह हैं तब भी प्रॉब्लम्स तो हैं, दिन में भी कई बार प्रॉब्लम आती है बट लेकिन रात को तो डेफिनेटली और ज़्यादा है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या को 29 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी आज ईडी ने दी। इसे लेकर ईडी ने कई अखबारों में विज्ञापन भी दिए हैं। ईडी आईडीबीआई कोर्ट द्वारा आईडीबीआई बैंक द्वारा किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 900 करोड़ रुपए के लोन की जांच कर रही है। आपको बता दें कि माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपया बकाया है और वो कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग गए हैं। ईडी का कहना है कि अगर इसके बाद भी माल्या पेश नहीं होते तो उनकी और प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। ईडी पहले ही माल्या की 1411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। तो अगर आपको पोजेशन मिलने में देरी हो रही है और आप इससे परेशान हैं तो आपके लिए ये एक राहत की खबर है। सरकार की ओर से तैयार किया गया ड्राफ्ट कानून के मुताबिक घर के पोजीशन में देरी पर बिल्डर्स को 11.2% की दर से ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है। कानून के मुताबिक अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है उसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर करना होगा। नए कानून के मुताबिक बिल्डरों को प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख, फ्लैट के साइज और उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं और उनके वादे किए गए उन सबकी जानकारी भी देनी होगी। ग्राहक को मुआवजा उसकी ओर से बिल्डर को चुकाई गई रकम पर ही मिलेगा, यानी 60 लाख के मकान पर ग्राहक ने अगर 40 लाख रुपए का भुगतान किया है तो मुआवजा 40 लाख रुपए पर ही मिलेगा। इन नियमों पर 8 जुलाई तक आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। और वहीं अगले कुछ दिनों में अमूल के प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। कंपनी के एमडी आरएस सोधी के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग में भारी इजाफा हो रहा है, लिहाजा प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं कंपनी विस्तार योजना पर भी काम कर रही है। तो टोयोटा ने दुनिया भर में 14,30,000 कारें रिकॉल करने का ऐलान किया है। इन कारों को एयरबैग में खराबी के चलते रिकॉल किया जाना है। जिन कारों को रिकॉल किया जा रहा है उनमें प्राइस हाइब्रिड, प्राइस प्लग इन और लेक्सस सीटी 200H शामिल है। कंपनी अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2012 के बीच मैन्युफैक्चर की गई कारों को रिकॉल करेगी। जापान में 7,43,000, उत्तरी अमेरिका में 4,95,000, यूरोप में 1,41,000, चीन में 9,000 और अन्य देशों में 46,000 कारें रिकॉल की जाएगी। कंपनी के मुताबिक एयरबैग इन्फ्लेटर्स में छोटा सा क्रैक है जिसके चलते कारें रिकॉल की जा सकती हैं। तो रफ्तार के दीवाने के लिए जर्मन कार कंपनी पोर्श ने अपनी स्पोर्ट्स कार 911 के 3 नए वेरिएंट्स उतारे हैं। इन मॉडल्स की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,42,00,000 रुपए से लेकर 2,81,00,000 रुपए के बीच है। बेस वेरिएंट पोर्श 911 कैरोला की कीमत 1,42,00,000 रुपए है जबकि टॉप एंड वेरियंट की कीमत 2,81,00,000 रुपए है। इन वेरिएंट्स को पहले के मुकाबले ज्यादा शार्प लुक दिया गया है और पावरफुल बनाया गया है। तीनों वेरिएंट्स पे पहले के मुकाबले ज्यादा गैजेट्स भी दिए गए हैं। बेसिक वेरिएंट में 3 लीटर पेट्रोल इंजन है जबकि बाकी वेरिएंट्स में 3.8 लीटर पेट्रोल इंजन है। तीनों ही कारें स्टॉक में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।